राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया, यू वाचिंग कटारिया टीवी। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूं मॉन्ट्रियल के स्टूडेंट्स के बारे में, मॉन्ट्रियल के एक्सपेंसेस के बारे में, जो स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसेस उठाते हैं, काम करते हैं जीआईसी के बारे में, स्टूडेंट्स के रिलेटेड, काम के रिलेटेड सारी इनके साथ बातें करेंगे। ये है, मेरे साथ बैठा है अभिषेक और पीछे बैठा है रजत शर्मा। सो पहले अपने अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, और पहले तो मैं इनका थैंक यू कर देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू है टाइम निकाला उन्होंने कटारिया टीवी के लिए। और पहले अभिषेक अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। मैं पंजाब से हूँ, तो मैंने प्लस टू की थी। ओके। उसके बाद फिर आपसे कंसल्ट किया कनाडा के कॉलेज के लिए, फिर मैं मॉन्ट्रियल आ गया और यहाँ पे मैंने टीएवी कॉलेज किया, उसमें मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का कोर्स कर रहा हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का कोर्स प्लस टू करके आए, नॉन मेडिकल। रजत भाई, मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से। मैं प्लस टू के बाद आईएलटीएस की, उसके बाद आपसे कंसल्ट किया, उसके बाद मॉन्ट्रियल में टीएवी कॉलेज सेलेक्ट किया। मैंने आर्ट्स एंड लेटर्स में आया, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मेरे को उसमें क्लासेस ज्यादा थी और वो डीईसी कोर्स था। ओके, अब कौन सा कोर्स है? अब मेरा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड। सो ब्रदर पीछे बैठा है रजत, इसका है इंटरनेशनल ट्रेड, अभिषेक का है मोबाइल एप्लीकेशन आईटी का। तो इट्स बीन अ ईयर ये दोनों यहाँ पे रह रहे हैं मॉन्ट्रियल में, और शुरू में जब आए थे तब तो कोरोना नहीं था, उस टाइम पे आए थे जनवरी में। सो मार्च अप्रैल से कोरोना शुरू हो गया था। सबसे पहले तो ये बताओ कि कोरोना की वजह से कॉलेज में आपको, कॉलेज नहीं गए, थोड़ा टाइम गए शुरू में, फिर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब स्टडीज वगैरह ओके थी, सारा कुछ कर पा रहे हो सारा कुछ? कॉलेज जैसे ऑनसाइड क्लासेस थोड़ी सही रहती थी, ऑनलाइन पहली बार पहले तो समझ नहीं लगता था क्या करना है। पहले शर्माते थे पूछने से, डाउट कुछ पूछते थे, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई क्योंकि अब तो सारा ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ। ओके, सो मतलब ये है कि ऑनलाइन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर निकला कि हाँ किसी के आगे क्या से बोलना, इंटरेक्शन का तो ठीक है, जो चलो आपस में तो क्लास में तो चलो बोल ही लेते थे, बट फिर भी ऑनलाइन से ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब क्लासेस वगैरह बढ़िया चल रही है। और ये जब लॉकडाउन हुआ तो इसकी वजह से कोई काम पे इफेक्ट पड़ा? जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो सारा लाइक ऑलमोस्ट कनाडा बंद ही हो गया था जब आया था कोरोना, तो हम भी नए थे तब, काम तो स्टार्टिंग में वैसे नहीं मिलता, पहले ये फ्रेंच का चक्कर था जहाँ पे वैसे नहीं कुछ समझ लगती थी, फिर कोरोना आ गया, फिर बस जीआईसी के सारे निकाले 4-5 महीने। अच्छा, जैसा कि भाई ने बोला कि फ्रेंच की वजह से, सो बेसिकली मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रेंच अगर जैसे मॉन्ट्रियल में फ्रेंच चलती है तो मॉन्ट्रियल में कहते हैं कि काम की कमी हो जाती है फ्रेंच की वजह से, तो ये सच है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, सिर्फ कोविड की वजह से, कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, और वैसे भी हम नए थे तो आप भी इंडिया चले गए, मतलब वैसे फ्रेंच की वजह से ये नहीं कि काम नहीं मिलता, नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम मिल जाता है। सो गाइस, ये आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है बोलनी मॉन्ट्रियल में तो काम मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या काम कर रहे हो आप? अभी तो जैसे काफी जगह कर लिया है, शॉपर प्लस के वेयरहाउस में जाते हैं। ओके, वहाँ पे सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग करते हैं। सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। और रजत आप भी सेम ही? हाँ, मेरा भी सेम, सेम जगह पे काम पे जाते हैं। ओके, वेयरहाउस में जाते हो, और क्या पे है आपकी पर आवर? $15 पर आवर पे है। एक्सपेंसेस वगैरह जो है आपके, वो कैसे निकाल लेते हो, मतलब कर लेते हो ओके सारा कुछ? हाँ, सही हो जाता है। और मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये स्टूडेंट मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं तो उनको जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में उस टाइम मैं निकाल ली थी, तो मैंने निकाल ली थी, तो आई थिंक ये सच है। बट आज के टाइम में जीआईसी भी मिलती है आपको, और 20 आवर्स काम करके, ठीक है, 20 आवर्स काम करके आप अपनी फीस निकाल सकते हो अगले सेमेस्टर की कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर जो हमने जीआईसी सेव कर रखी है पूरी की पूरी। अच्छा, जीआईसी को अलग कर दो तो काम करके आप अपनी फीस निकाल सकते हो। ओके, थोड़ा सा मेरे को एक्सपेंसेस का बताओ कि क्या रेंट है आपका, खाने पीने पे कितना थोड़ा सा खर्च हो जाता है, और कैसे मैनेज कर पाते हो सारा कुछ? रेंट या ये मतलब की ज्यादा से ज्यादा $300 पर बंदे का लगा के चलो, $300 पर पर्सन का अपार्टमेंट का, ठीक है। बाकी खर्चा पानी ग्रोसरी लगा लो $200-$250 महीने की। ओके, और ऊपर थोड़ा बहुत लगा लो फोन का बिल, $100, फोन का वाईफाई का। अगर हम सही करें अपना खर्चा तो 600-650 तक हो जाता है। ओके, सो बेसिकली जो एक्सपेंसेस है वो मतलब बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आप कैसे रह रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो। अब मैंने कहीं देखे हैं स्टूडेंट यहाँ के जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, इंश्योरेंस ज्यादा पे करते हैं तो बढ़ जाते हैं। सो अच्छा, तो अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लेते हो सारा कुछ है।
मेरे को एक और चीज बताओ कि यहाँ पे आके जो स्टूडेंट शो ऑफ करते हैं बहुत ज्यादा, गाड़ियाँ बहुत महंगी महंगी ले लेते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो आप? मर्जी है अगले बंदों की एडवाइस तक है, बट ये है कि पहले हमें सबसे पहले अपना अपने आप को सेट करना चाहिए यहाँ पे, अपने आप को अपनी लाइफ सेट करो, अपनी फैमिली को देखो पीछे। और मेरे से ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो पीछे स्टूडेंट टाइम में? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे उनका कोई लोन है तो हार्ड वर्क पे है सारा कुछ, ठीक है। अगर लोन है थोड़ी बहुत किस्त जो होती है वो लोन की इंडिया में आप पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। और सारे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लेते हो, काम कर लेते हो, मॉन्ट्रियल में काम की कमी है इस टाइम के? नहीं, मेरे को बहुत सारे कहते हैं काम की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसी खुद फोन कर करके पूछते हैं कि भाई आ सकते हो, वो थोड़ा सर्दियों में स्नो टाइम पे, बट ऐसा कुछ नहीं, मिल जाते हैं। तो स्नो टाइम पे थोड़ा सा काम कम हो जाता है, वैसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, GIC को लेके ना बहुत सारे सोचते हैं कि GIC मिल गई तो हम उसको खर्च कर लेंगे, ये एक एडवाइस क्या कहते हो? या तुम खुद कह रहे हो कि हमने GIC खर्च कर दी, सो अब जो स्टूडेंट आने वाले हैं या जिनकी GIC बची हुई है उनको क्या एडवाइस देते हो तुम? यही कि पूरी की पूरी मतलब जितनी ज्यादा बचा सकते हैं बचाओ, क्योंकि ये मतलब कि छोटी छोटी सेविंग्स है, बाद में बड़ी काम आती है। GIC छोटी छोटी सेविंग बड़ी काम आती है, मतलब इमरजेंसी के लिए रख लो, ओके, बाकी वैसे अपना काम करके खर्चा पानी चला ही जाओ। और मुझे एक चीज और बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे कैसे आप मैनेज करते हो, कि बस वगैरह ले रखी है या गाड़ी ले रखी है आप, क्या है आपके पास, कैसे जाते हो काम पे आते जाते हो? स्टार्टिंग में तो बस मेट्रो होती है, अब तो चलो ले लिया, टाइम हो गया थोड़ा, बट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है यहाँ। गाड़ी आपने ले ली है? कौन सी गाड़ी है? माजदा 3 ली है मैंने। माजदा 3 कितने के लिए? अभी तो मैंने लिया है लाइक $2,750। सो गाइस, $2,700 की माजदा भाई ने गाड़ी ले ली है, और इंश्योरेंस कितनी है उसकी? $56 पर मंथ की इंश्योरेंस है, और इंडियन लाइसेंस पे भाई गाड़ी चला रहा है। तो मॉन्ट्रियल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, अपनी ऊबर वगैरह कर सकते हो, काम पे आ जा सकते हो, कॉलेज आ जा सकते हो, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक और अच्छी चीज मॉन्ट्रियल की क्या है कि यहाँ पे इंश्योरेंस जो है एज पर अदर प्रोविंसेस सबसे ज्यादा सस्ती है, सो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे। बाकी काम की कोई कमी नहीं है, बाइलिंगुअल में कोई कमी आई कि मतलब कभी प्रॉब्लम हुई कभी ऐसे कुछ फ्रेंच या इंग्लिश? यूजुअली मैंने देखा कि जो मॉन्ट्रियल रीजन है, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ मॉन्ट्रियल रीजन, मॉन्ट्रियल था लशीन, लवाल और इधर पॉन्ट क्लेयर, इधर DDO, कोर्ट वर्चू, थोड़े से सोसाइड वाले एरिया है, यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों चलती है, इंग्लिश ज्यादा ही चलती है यहाँ मैंने देखा। अगर आप आउटर एरिया में चले जाते हो तो फ्रेंच थोड़ी सी ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। बाकी कॉलेज कब खत्म हो रहा है? मेरा दिसंबर में। दिसंबर में? तेरा भाई? मेरा भी दिसंबर में। दिसंबर 2021 में कॉलेज खत्म हो रहा है। आगे क्या प्लान है? वर्क परमिट मिल जाएगा फिर क्या सोचा है अपने, कहाँ जॉब करनी है? ट्राई करेंगे फिर जॉब, बाकी देखो। अच्छा, एक चीज मुझे लास्ट में ये बताओ कि इंडिया की याद आती है? ऑब्वियस आती है। इंडिया की याद आती है? इंडिया के खाने की याद आती है? क्या याद आता है इंडिया के खाने का? फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड होता है सारा, बाकी माँ के हाथ की रोटी होती है। ये तो है, माँ के हाथ की रोटी तो यार वो तो कहीं नहीं मिलती दुनिया में। कोई नहीं यार, जब बेस्ट टाइम इंडिया जाने का, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनानी थी, बस वैसे एक एडवाइस दे देता हूँ, जब आपका वर्क परमिट आ जाता है स्टार्टिंग में, जब आपका वर्क परमिट आ जाता है उस टाइम बेस्ट टाइम है कि आप चले जाओ, 2-3 महीने घरों के साथ लगा के आओ और फिर आके अपना PR का प्रोसेस शुरू करो। सो यही कुछ थे जो मैंने इनसे पूछना था, जो मेरे पास क्वेश्चंस आते थे। सो आई थिंक आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी मन में कोई क्वेश्चन है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इन दोनों की मैं इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ये नीचे आ रही है आपके सामने लिखी हुई, तो इन दोनों को फॉलो कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन होता है अगर काम से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, मैं तो आपकी हेल्प करता ही हूँ, तो भाई भी आपकी हेल्प कर देंगे। ऐसे ही प्यार करते रहो, वैसे ही देखते रहो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कटारिया टीवी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।